ठीक है, डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव इस तरफ है, ऐसे इस तरह। तो चूंकि हमको पता है कि ये मैकेनिकल वेव है, दूसरा इसको मीडियम की जरूरत है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव वो होती है जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है उस डायरेक्शन में ही मूव करते हैं, या उस डायरेक्शन में ही क्या करते हैं, SHM करते हैं, ये समझ लेंगे हम, है ना। ठीक है, तो जैसे यहां पर जो पार्टिकल होगा वो इधर और इधर ऐसे वाइब्रेट करेगा, इधर 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 इधर ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो जितने भी ये पार्टिकल्स है ना, इधर जाएंगे वापस आएंगे, इधर जाएंगे वापस आएंगे, इधर आएंगे, इस पॉइंट के अबाउट ही है यहां पर ऐसे वाइब्रेशन करते रहेंगे, ऐसे ही ऐसे ही हर पार्टिकल, और एनर्जी को ट्रांसफर करते रहेंगे। इधर वाइब्रेट हुआ, आगे गया, आगे वाले को एनर्जी दी, वो आगे गया, वो आगे गया, वो आगे गया, इस तरह से साउंड जो है ट्रांसफर हो जाती है, किसके थ्रू, इन पार्टिकल्स के थ्रू। तो यहां अगर हम देखेंगे तो क्या ये पार्टिकल अपनी जगह पर ये वापस से आगे गए, पीछे आए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, पीछे आए, फिर आगे गए, ये इस तरह से क्या करते रहते हैं, अपनी पोजिशन पर SHM करते रहते हैं। ठीक है, तो हम एक इक्वेशन पहले लिख चुके हैं, याद है ना, हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में लिखी थी y इज इक्वल टू, क्या लिखा था, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, इस तरह की कुछ इक्वेशन लिखी थी, लिखी थी नहीं लिखी थी। तो यहां पर भी SHM हो रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर भी SHM हो रहा है लेकिन किस डायरेक्शन में हो रहा है, समझो इस बात को, यहां पर x डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए अब हम जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिखेंगे ना वो एक्स डायरेक्शन में ही लिखेंगे, है ना, जो साउंड वेव को रिप्रेजेंट करेगा। तो साउंड वेव की अगर मुझे यहां पर इक्वेशन लिखनी हो, सिंपल सी साउंड वेव की एक इक्वेशन लिखेंगे हम, वो होती है एस इक्वल्स टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी। ये टी माइनस एक्स अपॉन वी कहां से आया, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है, के इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा बाई वी, ओमेगा टी माइनस के की जगह ओमेगा बाई वी, ओमेगा कॉमन ले लिया तो क्या बचा अंदर, टी माइनस एक्स अपॉन वी, ये लो, समझ में आ गई ना बातें, कैसे लिखा मैंने यहां पे। तो यहां पर मैं इस फॉर्म में इसको लिख रहा हूं, ये वहीं से आई है इक्वेशन जहां से हमने लिखी थी, तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन वहीं से लिखते हैं हम, वैसे ही इक्वेशन आती है। ठीक है, यहां पर हम दो तीन तरह की इक्वेशन देखेंगे, सबसे पहले तो साउंड के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, दूसरा प्रेशर की इक्वेशन, और तीसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम प्रेशर की इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, प्रेशर की इक्वेशन। ये तो साउंड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, और प्रेशर के लिए लिखेंगे हम P इज इक्वल्स टू पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन वी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर इक्वेशन इन साउंड। ठीक है, समझ में आई बात, है ना, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो कुछ जनरल छोटी छोटी बातें और कर लेते हैं इस बारे में, हम साउंड के बारे में, वैसे तो काफी सारी बातें हम कर सकते हैं साउंड के बारे में, लेकिन कुछ और बातें हैं जो भी हम साउंड के बारे में कर सकते हैं। इसको लिख लो इक्वेशन को, फिर आगे बात करते हैं। ये इक्वेशंस जनरल इक्वेशन थे, है ना, प्रूफ प्रूफ की जरूरत है नहीं हमको, क्योंकि जरूरत पड़ती भी नहीं है प्रूफ की, है ना। हाँ, तो हम कुछ जनरल बातें कर रहे थे साउंड के बारे में, ऐसे तो हम काफी बातें कर चुके हैं साउंड के बारे में, फिर भी कुछ जनरल बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि बात करते कि ह्यूमन बींग के जो एयर ड्रम्स होते हैं,
ईयर ड्रम जो होते हैं ह्यूमन बींग के, उनकी कुछ कैपेसिटी होती है साउंड को महसूस करने की, साउंड को सुनने की, है ना। साउंड को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तीन वॉल्यूम्स में डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे होता हो? फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पर ये, है ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही होती है जो हम साउंड को मेजर करते हैं कि भाई इतनी हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी, इतने हर्ट्स का ये, इतने हर्ट्स का है। तो नॉर्मल जो रेंज होती है ह्यूमन के लिए साउंड जो है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है हमने। पहला ह्यूमन बॉडी समझ लो, ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी के लिए जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। ये रेंज होती है किसकी? ह्यूमन बॉडी की। इसको हम ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, सुनी जा सकती है जो ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम बोलते हैं। ह्यूमन बींग के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम, दूसरी आती है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक साउंड होता है, कैसा? इंफ्रासोनिक साउंड। इसकी रेंज होती है लेस देन 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है उसको हम बोलते हैं क्या? इंफ्रासोनिक साउंड। समझ में आई बात? बिलो 20 हर्ट्ज। एक और होता है जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड, ये साउंड होता है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज। यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रासोनिक। समझ में आई बात? सो ह्यूमन कैन नॉट हियर द फ्रीक्वेंसी अदर, जैसे कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी है जो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन को सुनाई नहीं देती पर एनिमल्स को सुनाई दे सकती है। ऐसा होता है कई बार कि बहुत सारी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो ह्यूमन को सुनाई नहीं देती लेकिन एनिमल्स को सुनाई देती है, ठीक है। जैसे कि रेनोज जो होते हैं, रेनोज इंस्टेंस रेनोज जो नहीं होते उनके लिए क्या होता है? कम्युनिकेट करने के लिए इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है जो कि 5 हर्ट्ज से भी कम होती है ना। बैट्स हो गई, चमगादड़ जिसको बोलते हैं, बैट्स जो होती है ना वो अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है उनकी, हाई, बहुत ज्यादा, यानी 100 किलो हर्ट्ज फॉर नेविगेटिंग। उनको नेविगेट करने के लिए इतनी अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो फ्रीक्वेंसी ह्यूमन नहीं हियर कर सकते, जो सुन नहीं सकते, वो फ्रीक्वेंसी जैसे कि ये इंस्टेंस राइनोस हो गए और बैट्स हो गई, ये सब उनको फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं नेविगेट करने के लिए, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये तीन टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। एक और होती है, हालांकि उसको यूज में नहीं लेते अपन, ज्यादा बात भी नहीं करते, उसको हम बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या होती है? सुपरसोनिक। किसकी? जो एरोप्लेन वगैरह नहीं होते, जेट प्लेन, जेट प्लेन जो होते हैं, इस स्पीड से जाते हैं 330 मीटर पर सेकंड से, 330 मतलब इतनी ज्यादा होती है कि अगर हम उस स्पीड से जाएं, सपोज जैसे मान लो यहां से स्टेशन जाना है हमको, स्टेशन यहां से कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर है भाई। कितना किलोमीटर है? 12 किलोमीटर मीटर मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर इस स्पीड से गए तो 4 सेकंड में हम क्या होगा? स्टेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन जो भी रास्ते में आएगा हमारे, उसको क्या करते जाएंगे? हम उसको डिस्ट्रॉय करते हुए चले जाएंगे, इतनी स्पीड। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब ये जेट चलता है ना इस स्पीड से, तो ये पीछे रेडिएशन बनाता है, यहां पर पीछे की तरफ वेव्स फेंकता है, बहुत ज्यादा वेव्स फेंकता है। और ये जो वेव्स होती है ना, ये बहुत ज्यादा अमाउंट की होती,
बहुत ज्यादा अमाउंट की ये वेव्स होती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि जेट जो है जो इनिशियली इस स्पीड से स्टार्ट होता है 330 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थोड़ा ना स्टार्ट होता है, स्टार्ट तो जीरो से होता है, लेकिन कहीं जाके जैसे सपोज जैसे कोई एरिया जैसे मान लो सी लैंड मिल गई हमको, समुद्र मिल गया कहीं पे, तो समुद्र के ऊपर अगर ये अपनी स्पीड बढ़ाएगा तो इतनी स्पीड में जाएगा तो इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफर करेगा बाहर की तरफ, इतनी सारी प्रेशर और वेव्स को बाहर की तरफ फेंकेगा, लेकिन वहां पर क्या होता है कि वो समुद्र जो है वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमको पता नहीं चल पाता। अगर नॉर्मल में ऐसे चल जाए तो हमको बहुत सारी वेव्स लगती है। हम सिंपली बोल सकते हैं जैसे कई बार ऐसे नहीं होता हमारे सामने से कोई कार बहुत स्पीड में निकलती है तो किस तरह से हम पूरे हवा का झोंका आता रहा मिल जाते हैं, तो वो कैसे हुआ इस बारे में कभी सोचा? कोई बस या फिर कोई कार सडनली हमारे पास से गुजरती है बड़ी स्पीड से तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है, हमारी बॉडी पूरी हिल जाती है, हमें बहुत हवा का झोंका लगता है, ऐसा लगता है। वो कहां से फील होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि जब वो निकलती है तो वो कई सारी वेव्स को क्या है पीछे की तरफ छोड़ जाती है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। ये तीन टाइप की होती है मेनली जो हमें याद रखना है, ह्यूमन के लिए जो होती है ऑडियबल फ्रीक्वेंसी, दूसरी होगी इंफ्रासोनिक साउंड, तीसरा होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। अब हम बात करते हैं पिच की। एक वर्ड होता है पिच, व्हाट इज पिच? क्या होता है पिच? सोचो, कई बार हम ऐसे नहीं करते कि यार थोड़ा हाई पिच कर दे, वो जो म्यूजिक कंपोजर वगैरह होते हैं कि लो पिच हाई पिच ऐसी कुछ बात करते हैं ना, वो लो पिच हाई पिच क्या होता है उसका मतलब? तो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। जैसे कि बात करता हूं मैं हाई पिच की, हाई पिच जैसे ही बोला जाए समझ जाओ हाई पिच का मतलब होता है हायर फ्रीक्वेंसी रेंज, इसका मतलब हो गया हायर फ्रीक्वेंसी रेंज। दूसरा लो पिच, लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज, बस इतना याद रख लो, ज्यादा माइंड नहीं लगाना इसमें। इट्स अ काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, लो पिच का मतलब लो फ्रीक्वेंसी रेंज, हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, है ना? समझ में आई बात? ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो साउंड का कनेक्शन जो है ना सीधा हमारे माइंड से भी होता है, साउंड का कनेक्शन हमारे माइंड से भी होता है। जैसे कि अगर मैं बताऊं, जैसे सपोज पहले के लोग जो होते थे, जो हंटर जो होते थे, हंटिंग वगैरह के लिए जाते थे जंगल में फॉरेस्ट में, तो वो लोग क्या करते थे, एकदम चित्त होके बैठ जाते थे, एकदम कंसंट्रेट करके, कोई साउंड इधर उधर से नहीं आना चाहिए, एकदम चुप करके एकदम घात लगा के बैठ जाते थे। और क्या ऑब्जर्व करते थे वो? ऐसा तो है नहीं कि उनको सामने उनको शिकार नजर आता था कि भाई मेरा शिकार सामने से आ रहा है, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूं। वो क्या ऑब्जर्व करते थे, क्या देखते थे? वो साउंड को ही फील करते थे, फ्रीक्वेंसी को क्या करते थे, फील करते थे। कैसे? जैसे सपोज मान लिया हंटिंग बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि भाई मेरा शिकार आने वाला है या आएगा या कहां पर है कुछ भी है। तो क्या होता है, जैसे उसको कहीं सामने से आवाज आएगी कुछ झाड़ियों में, हालांकि उसको नजर नहीं आ रहा कि झाड़ी में कौन है, लेकिन जैसे ही उसको वहां से आवाज आएगी, तो जैसे मान लो इस तरफ से उसको आवाज आई, तो वो साउंड जो है वो साउंड पहले इस ईयर पे पहुंचेगा, उसके बाद इस ईयर पे पहुंचेगा, भाई यहां पर ज्यादा आया और यहां पर कम आया, तो बेसिकली यहां पर डिफरेंस और यहां पर जो डिफरेंस है साउंड का वो कम है, यहां पर कम है और यहां पर ज्यादा है साउंड, तो मतलब बेसिकली साउंड का डिफरेंस आया। और इसकी वजह से क्या होता है, हम ऐसे टर्न करते हैं, कब तक टर्न करते हैं, जब तक कि वो साउंड डिफरेंस जो है वो दोनों ईयर्स के लिए क्या नहीं हो जाए, इक्वल ना हो जाए, है ना? ऐसा होता है ना, जैसे हमको आवाज आती सडनली हम ऐसे मुड़ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा क्यों होता है कि हम इस तरफ मुड़े जिधर से आवाज आई, तो माइंड जो है वो भी हमारा साउंड को काफी ट्रेवल करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं इस तरफ यहां पर आवाज आई तो सबसे पहले इस पर पहुंचेगी और फिर इस ईयर पे पहुंचेगी, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। लेकिन अगर हमको एक्चुअल पोजीशन जाननी है किसी ऑब्जेक्ट की या साउंड की, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा टर्न हो जाएंगे, यानी जब वो एकदम सामने होगा तब ये दोनों ईयर्स के लिए ये फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, वो मैच कर जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है ना, कोई हमको आवाज दे रहा है सपोज, तो आवाज तो चारों तरफ से आ सकती है, आती नहीं आती। आईज जो है क्या होता है, एकदम फ्रंट का देखती है सामने का, फ्रंट का देखती है सामने का। अगर कोई पीछे से आवाज लगाएगा हमको तो हम क्या होते हैं, टर्न हो जाते हैं। तो ये जो साउंड जो है ये माइंड को ट्रेवल करता है, और माइंड जो है वो साउंड की फ्रीक्वेंसी पे भी कई बार ट्रेवल करता है और वो उसको फॉलो भी करता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम कई सारे ऑब्जर्वर देख पाते, ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे सपोज हम यहां खड़े हैं, कुछ हमारे पीछे गिर जाए तो हम जल्दी से पीछे मुड़ जाते हैं, अरे यार क्या गिर गया। तो वो साउंड जो है वो क्या करता है, प्रेशर डेवलप करता है, इधर का प्रेशर कम होगा इधर का ज्यादा होगा, प्रेशर जैसे डेवलप हो हमको पता चल गया भाई साउंड कहां से आ रहा है, समझ में आई बात। तो बेसिकली हम प्रेशर वेव्स के बारे